ये अच्छी तनख्वाह भी है, फिर आप पूछा कितनी तनख्वाह है तो 11 लाख, वो आगे से कह दे तो फिर आगे से कहेंगे जी 11 लाख तो मैं एक हफ्ते में कमा रहे, तो ये ऑफिशियल ऑफर नहीं होती, इसको ऑफिशियल ऑफर नहीं कहते आप। बाबर आजम को मैं अभी भी मेड इन ओवर करा सकूँ, बिल्कुल आप करा सकते हैं, तो इतनी परफॉर्मेंस रख लेते हैं कि आप अभी तक बॉलिंग लाइक होते। वर्ल्ड कप जोड़ा शुरू होने वाला थे, लेकिन उस तो पहला इंडिया ते पाकिस्तान दी क्रिकेट दे विच कुछ तरथलियां मचियां पईयां, कोई कमेंटिंग पास हो रही है ते मतलब पाकिस्तान दी टीम दे विच पाकिस्तान दे प्लेयर कर रहे, इंडियन टीम दे विच इंडियन टीम दी भी कुछ ना कुछ चलो चलदा पिया ते, पर पाकिस्तानी टीम दे विच की है आसिफ ने की कमेंट किया है भाई बाबर आजम दे उत्ते, ठीक है। सो वो जिहड़ी वीडियो अभी वो आप देखेंगे आज दी वीडियो दे विच, क्रिक कमेटी दा रिएक्शन है। सो बिना किसी देर तो कर दे शुरू, आ जाओ। तो क्या हाल है आप लोग के? बढ़िया, आज की वीडियो में हम बढ़िया बात करेंगे, कुछ रिसेंटली मेरे ख्याल में कमेंट्स पास कर लिए हैं मोहम्मद आसिफ भाई ने, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जबरदस्त किस्म की चाल खेली है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया को पता भी नहीं चला, वैसे तो वो जीत गए, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्या चालें चल रही है। उससे पहले इंट्रो सुन लेते, चैनल चेक जरूर करें जाके अपना भी थे। सबसे पहले बात करेंगे हमारे मोहम्मद आसिफ जो है, उन्होंने कुछ इस किस्म के कमेंट्स किए हैं। पहले तो मैं मोहम्मद आसिफ के बारे में आपको बता दूं कि वो तमगा इम्तियाज जीत चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो खिदमात की हैं, जो ग्राउंड के अंदर की हैं, ग्राउंड से बाहर जो भी खिदमात की हैं, एयरपोर्ट के ऊपर अक्सर की हैं, दुबई के अंदर भी वो अपनी कल्चर को जो है भूले नहीं थे, चर्च लेके गए थे और वहाँ पर भी बैन रहे बड़े अरसे के लिए, मसला बना हुआ था कि बहुत सी सीरीज के अंदर वो नहीं खेल सकते। इसी तरह की और भी बड़ी सी उनकी खिदमात हैं जिनको हम सब जानते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि जो भी इंसान जो है पाकिस्तान को इस तरह बेच देता है, हमारे कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो उसको और ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसको सही पता है मार्केट की बातों को, इसको सही पता है कि रेट्स क्या लगते हैं। वो मेरे ख्याल में कोई लाइव सेशन वगैरह के ऊपर गए हुए थे और उधर जाके उन्होंने इस किस्म की बातें कर दी कि बाबर आजम को मैं अभी भी मेड इन ओवर करा सकूँ, बिल्कुल आप करा सकते हैं, तो इतनी परफॉर्मेंस रख लेते हैं कि आप अभी तक बॉलिंग लाइक होते। फिर बहुत सी बातें उनकी भाई हुरी लगता फिल्म फुल्म वेखण गए सी कोई ते उत्थे ही थिएटर दे बाहर ही जां किसे मल्टी कॉम्प्लेक्स दे विच बैठ के वीडियो बनाउंदे आ। सही भी थी, ऐसा नहीं है कि सारी बातें उन्होंने गलत की हैं, लेकिन फिर भी ये बातें करने की नहीं थी। कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एक अनपढ़ आदमी में और पढ़े लिखे मैं खुद स्कूल का कोई इतना ज्यादा वो तो नहीं हूँ फैन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग स्कूल नहीं गए हुए होते ना उनका पता चल जाता है कि स्कूल क्यों इतना जरूरी है। खैर वो कहते हैं कि मैं अभी भी अगर चाहूँ तो बाबर आजम को मेड इन ओवर करा सकता हूँ, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, मतलब इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सके। तभी मेरा ख्याल अंडर 16 थी या कोई एक सीरीज के बाद वो आया था और उसने आपको कोई 11 चौके भी मारे थे डोमेस्टिक में, जब आप अपना कम बैक कर रहे थे डोमेस्टिक के अंदर। भाई हम भी कोई 12 एक साल बड़े वायरल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन बहुत से लोग जो है ना उनके कुछ क्लिप्स वगैरह वायरल हो जाते हैं तो दिमाग पे चढ़ जाती है वो ये समझते हैं कि बस वही वो हैं, बाकी सब लोग तो सिर्फ चारा खाने के। जितने भी लेजेंड्स हैं वैसे भी मुझे तो ये डिबेट की समझ ही नहीं आती, जब आप खेल के आपका एरा खत्म हो चुका है तो आप अगले नए प्लेयर्स जो है उसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। ये तो फिर भी सचिन भी शायद आके कह दे कि यार मैं अगर होता तो मैं इसको 6 छक्के मार लेता एक ओवर के अंदर, आप कोई नहीं कह सकता है कि मैं भी इसको हर बॉल के ऊपर, इट्स अ बैड एटीट्यूड यार, इतना नहीं होना चाहिए हर जगह पर बता के चौका मार सकते। जब तक ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ग्राउंड के अंदर से आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी तो फिर उसके बाद इनकी बातें करने की तुक ही नहीं बनती। खैर उन्होंने मेरे ख्याल में शाहीन की कप्तानी के बारे में बात की और ये भी बात की कौन से लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बाकी इस तरह लग तो रहा है कि उसमें कोई कहीं ना कहीं सच्चाई भी है और वैसे भी अंदर की बातें जो है वो इसी किस्म की बातें हैं तो उसके ऊपर हम मान भी लेते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं वो बहुत ही एवरेज है, तो भाई को थोड़ी बहुत इज्जत बंदा कर लेता है, अगर आप औरों की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत ही होगी। शाहीन शाह अफरीदी रूल कर रहा है भाई बॉलिंग नो पूरे वर्ल्ड दे विच, ठीक है ना, एवं ना उन्होंने इतना लाइटली मतलब पता नहीं इदा ही क्यों कमेंट किए थे। बाकी एवरेज बॉलर्स ही हैं हमारे पास, हमेशा से एवरेज बॉलर रहे हैं, आपके टाइम में भी एवरेज ही थे। इनको सबको पड़ी भी होती है कि जी हम बॉलिंग करा दें, हम किसी तरह जो है टीम के अंदर भी आ जाएं, क्योंकि रिटायर होते नहीं दिमागी तौर पर हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं वो रिटायर ही नहीं होते किसी भी पोस्ट से। इवन पीसीबी के चेयरमैन वगैरह भी आप देख रहे हैं, आपने देखे हैं कि पास्ट में भी ऐसे रहे हैं जो कि जिनको शायद चलने में भी प्रॉब्लम होती है, अभी भी जो बैठे हुए होते हैं उनके कंफर्म मेडिकल इश्यूज होते हैं और लेकिन फिर भी वो इन पोस्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि दिमागी तौर के ऊपर हम कभी भी रिटायर हम तस्लीम ही नहीं कर सकते कि हम रिटायर भी हो चुके, जिंदगी के शायद कोई और मकसद है नहीं, तो एक जो मकसद मिल जाता है नौकरी की सूरत में हम उसको ही समझ जाते हैं कि अगर ये खत्म होगी तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए। उससे ज्यादा कि भाई बात है कि मुझे 11 लाख की नौकरी ऑफर की थी पीसीबी ने और मैंने कहा इतने तो मैं इंग्लैंड के अंदर अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में एक हफ्ते में कमा लेता हूँ, तो आप कभी भी जो बाहर की नौकरी होती है उसके साथ तो पाकिस्तान की नौकरी को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि खाना खाने के बाद कावा पीते हुए अगर कोई बंदा आपको कह भी देना कि यार आसिफ भाई आप उसके लिए क्यों नहीं आ जाते, हमारी जो वो नौकरी है बड़ी अच्छी तनख्वाह भी है, फिर आप पूछा कितनी तनख्वाह है तो 11 लाख, वो आगे से कह दे तो फिर आगे से कहेंगे जी 11 लाख तो मैं एक हफ्ते में कमा रहे, तो ये ऑफिशियल ऑफर नहीं होती, इसको ऑफिशियल ऑफर नहीं कहते आप लोग, मैं हमें इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, ये सिर्फ कावा पीते हुए ऊपर नीचे बात हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं कि पीसीबी ने कोई लेटर आपको लिखा था जिसके अंदर आपको जो है वो प्रॉपर इन्विटेशन दे दी थी कि आपके ये पर्क्स होंगे और 11 लाख रुपये आपकी तनख्वाह भी होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इस रेपुटेशन के साथ जो है वो पीसीबी चाहेगा कि इनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो
बोर्ड के अंदर। हसन अली के बारे में भी उन्होंने बात की कि वो रोटी गैंग का हिस्सा हैं, इसीलिए वो साथ खाने खाते हैं। तो यार ये तो हर पाकिस्तान में हर जगह यही हो रहा था, हर इंडस्ट्री में यही हो रहा होता है कि जो भी जिसके साथ कहीं कोई रोटी का गैंग बना हुआ होता है, कहीं पर कोई जो है वो चाय का, कहीं पर शराबों का कोई गैंग होता है, कहीं पर पार्टीज़ का कोई गैंग, कहीं पर ड्रग्स का भी कोई गैंग होता है, चर्च वगैरह का भी। तो जो लोग भी साथ पी रहे होते हैं वो हमेशा साथ ही रहते हैं, वही लॉबी जो है वो, अगर उसी लॉबी में से कोई एक अरसलान वीरा भी प्यों प्यों के मारता है, खान बन जाए तो फिर उनकी टीम में भी जगह बनी होती। तो यही तो चक्कर है नेपोटिज्म का कि हर जगह पे फेवरेटिज्म हो रहा होता है, हर जगह के ऊपर अपनी यारी दोस्ती जो है उसी को आगे कर रहे होते हैं। खैर मेरे ख्याल में इंसाफ पे बहुत बात हो गई है, उम्मीद तो है कि हमारे लेजेंड जो है वो कम अज़ कम रिटायर होने के बाद रिटायर्ड जिंदगी गुजारने की भी कोशिश करेंगे और इस तरह न्यूज़ में आने के लिए इस की हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ टॉक्सिक बातें ही हो रही होती हैं और वो भी वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही पहले। खैर अब बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच, तो पहले इंडिया लीड कर रही है अभी 2-0 के नाल। शुभमन गिल, वाह जी वाह भाई, शुभमन गिल बहुत ही तगड़ा ओपनर बन चुका है वर्ल्ड कप दे विच भाई, बहुत कुछ होने वाला है। मैच हुआ उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो हरकत की ना, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अंदर हलचल मचा दी है, उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को कम बैक करा दी है कि अब उनके मसले पड़ गए इंडिया के अंदर। ये बहस हो रही है कि किसको टीम में रखना है और किसको टीम में नहीं रखना। श्रेयस अय्यर भी है वो भी आ गए हैं, दूसरी तरफ स्काई ने भी जो है वो उनको पेलना शुरू कर दिया है, शामी भी जो है उनको पेल रहा है। तो अब इंडिया के अंदर डिबेट होगी, इन्होंने बीच में फूट डलवा दी वर्ल्ड कप से पहले। दूसरी बात ये कि वर्ल्ड कप से पहले सही टाइम पर पीक पता कब होता है, जब आखिरी मैच हो रहा होगा। तो इनका आखिरी मैच हो रहा होगा उसके अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया हरा दिया ना, तो वो सही टाइम पे पीक हो जाएगा और उसी टाइम पर इंडिया का जो है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही शातिर लोग हैं, ये गोरे हमें पहले भी लड़ा के गए हैं और इन्होंने अभी भी इसी किस्म की हरकत कर दी। खैर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि दूसरा मैच जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया हार गया है और बड़ी बुरी तरह से हारे। इनफैक्ट 399 रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि एक वाइड करके ना पूरे 400 कर देता। इंडिया का ये हाईएस्ट स्कोर है जिन्होंने पेला है, ग्राउंड थोड़ा छोटा था लेकिन फिर भी पेल पेल के उसी ग्राउंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया तो नहीं पेल सका। कुछ अर्सा पहले तक केएल राहुल की जगह नहीं बन रही थी टीम के अंदर और अब वो कप्तानी के लिए बिल्कुल सूटेबल नजर आना शुरू हो गया। शर्मा की जगह जो है भाई केएल राहुल ने जिस हिसाब नाल अपना कमबैक किया ना, जो उसकी इंजरी हुई सी, मतलब वो बंदे तो चलिया नहीं जा रहा सीगा अब कुछ 4-5 महीने पहला, तो हुण वो रूल कर रहा है यार, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया, इतना बेहतरीन कमबैक हो गया। और स्काई के बारे में कह रहे थे कि जी ओडीआई उसका फॉर्मेट नहीं, उसने इसके अंदर भी दिखा दिया, 4 छक्के पहले हैं पहली 4 बॉल के ऊपर ग्रीन को, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि पता नहीं वो किस तरह बच गया अगली 2 बॉलों के ऊपर। मेरा ख्याल में स्काई का मूड नहीं था, नहीं तो वो रिकॉर्ड भी टूटने लगा था कि 6 छक्के खाने लगा है ग्रीन। यानी ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी तेज लोग हैं, ये इसी किस्म की पॉलिटिक्स से पड़े होते हैं। 99 के अंदर भी ये इसी तरह थल्ले लगे हुए थे, इन्होंने पूरा वर्ल्ड कप में कोई परफॉर्म नहीं किया था, आके कर दिया था आखिरी 3-4 मैचेस में और पाकिस्तान को भी हरा दिया था 99 का वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि पहली दफा मेरे ख्याल में जिंदगी में हुआ था कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फेवरेट थी। ये बहुत ही चालाक और बड़े ही तेज लोग हैं, इनकी बातों में ना आना। 100 पे 100 मार रहा है और इस 100 के साथ मेरा ख्याल में वो कहीं रैंकिंग में भी नंबर 1 के ऊपर आने वाले हैं या फिर बहुत ही करीब हो गए होंगे। वैसे भी गिल्ली जब 50 मारता है तो उसको 50 पॉइंट्स मिलते हैं और जब बाबर आजम 150 भी मारता है तो उसको मेरा ख्याल में 31 पॉइंट दे दिए जाते हैं। तो गिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं पहुँच गया है, मेरे ख्याल में 200 रन उसे बनाने थे इन 3 मैचेस के अंदर नंबर 1 होने के लिए और 170-160 के ऊपर तो वैसे ही पहुंच चुका है। तो अगर अगले मैच के अंदर 20-30 रन भी वो बना लेता है तो मेरे ख्याल में वो नंबर 1 भी हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी से वो नंबर 1 हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या है, तीसरे मैच के बाद ही पता चला। साथ ही साथ वार्नर ने भी कोई अजीब सी हरकत की थी, वो राइट हैंडर बन के बैटिंग कर रहे थे और इतने में एक इनसाइड एज हो गई और इनसाइड एज लग के उनके पाँव पे भी लगी, लेकिन वो होता ही है ना कि उल्टा दिमाग हो जाता है जब आप उल्टी तरह बैटिंग कर रहे होते, तो उनको समझ ही नहीं आई कि इनसाइड एज हुई है कि नहीं हुई है, उनको आउट दे दिया गया और वो चली भी गई, उन्होंने रिव्यू भी नहीं किया। फिर ऑस्ट्रेलिया की हालत ख़राब हुई भी है, बहुत अच्छी सीरीज करने के बाद साउथ अफ्रीका के बाद उनको ऐसी नज़र लगी है कि वो हार ही गए हैं, 2 मैच जीतने के बाद फिर 3 अगले हारे हैं। उससे पहले T20 के अंदर उन्होंने बहुत ही पहला था साउथ अफ्रीका को और अभी भी इंडिया के हाथों में ये सीरीज हार चुके। लेकिन हाईलाइट जो है वो पिछले 2-3 दिन की वो ये जो मानकंड किया है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था उसके अंदर आखिरी टेल एंड जो थे कीवी वो छक्के चौके मार रहे थे तो बांग्लादेशी बॉलर ने मानकंड कर दिया और वो आउट भी हो गया, तो वो चले गए। तो उसके बाद फिर कप्तान ने वापस बुला लिया उनको और फिर ग्राउंड में आके जो है दोनों के दरमियान सुलह भी हुई, कप्तान ने जो है इनको गले भी लगवाया और पपी भी करवाई। लोग बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी हरकत कर दी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हरकतें अभी तक क्यों हो रही हैं। नए मैखा मैं 900 वीडियोज़ के अंदर अपनी ये बोल चुका हूँ कि यार ये मानकंड वाली डिबेट ही ख़त्म कर दो, अगर -5 रन दे दो, पेनल्टी लगा दो, जो भी बैटर बाहर निकल रहा है बस -5 रन हो जाए, दैट्स इट। उसके ऊपर कोई भी बैटर भी बाहर नहीं निकलेगा और अगली जो टीम है उनकी मैनेजमेंट जो है वो ही आकर उनको जूते मार रही होगी कि तू क्रीज के अंदर क्यों नहीं खड़ा हो सकता। इतना सा सोल्यूशन है, लेकिन हमारी जो ICC है वो मेरा ख्याल में घोड़े बेच के या फिर भंग पी के सोई भी है।
एक आधे घंटे की मीटिंग के अंदर ये मसला सॉल्व हो सकता है और रूल्स अपडेट हो सकते हैं। अगर पीसी भाई कोई जानते हैं जो आईसीसी में बैठे हुए हैं, इवन पीसीबी वाले मेरी वीडियोस अक्सर देख रहे होते हैं, तो काइंडली इसको अंग्रेजी में डब करके, वैसे भी अब तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी बैठे हुए हैं तो अंग्रेजी की भी शायद जरूरत न पड़े, लेकिन सब टाइटल्स लगा के उनको दिखा दें कि यार -5 की पेनल्टी लगा दें, एक दफा बाहर निकल पे -5, दूसरी दफा भी अगर बाहर निकल रहा है तो -10 करते रहे। 15 रन अगर किसी एक टीम के कम हो जाए ना तो मैनेजमेंट से लेके आवाम से लेके हर एक बंदा उसके ऊपर थू थू करता है जो क्रीज से बाहर निकला होता है, तो ये मसला ही हल हो जाए। खैर मैंने एक ट्वीट भी किया था पिछले दिनों जिसके ऊपर लोग मुझे सड़क के ऊपर भी जो मिल रहे हैं वो भी पकड़ के थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर से 92 के रेफरेंसेज जो है वो निकालने की कोशिश कर दी, क्योंकि 92 के वर्ल्ड कप से पहले भी हमारा एक फास्ट बॉलर था जो कि बहुत ही प्राइम फॉर्म में था और वो 92 के वर्ल्ड कप से पहले ही इंजर्ड होके बाहर निकल गए थे और वो थे वकार यूनिस। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हुआ कि नसीम शाह अपनी प्राइम फॉर्म में थे और वो इस वर्ल्ड कप से पहले इंजरों के बाहर निकल पाए। नहीं होना चाहिए सी यार, नसीम शाह नु खेलना चाहिए सी वर्ल्ड कप। कुछ नहीं कह रहा भाई, ये तो बस किस्मत के, ये कुदरत का निजाम है। 92 के रेफरेंस एक बार फिर से शुरू हो गया। फिर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मैं थोड़ा सा रश वाली जगह के अंदर बैठा हुआ हूं तो पता नहीं ऑडियो, कोई चक्कर नहीं मेरे, फिर भी तुसी जेटियां गल्लां कीतियां बहुत ही लाजवाब गल्लां कीतियां सारियां ते एंटरटेनिंग सिगियां गल्लां एक्चुअली तुहाडियां, मतलब बाई दा जिहड़ा रिव्यू करन दा तरीका इदां हुंदा कि जिहड़ा बंदा, जिहड़े बंदे नूं क्रिकेट नहीं भी पसंद ना वह भी क्रिकेट दे जरिए, मतलब इन्हां दी वीडियो दे जरिए क्रिकेट देखण लग सकदा। एंड आई थिंक मेरे नाल भी कुछ इदां दा ही होया। मैं पहलां क्रिकेट नहीं देखदा हुंदा सी, मैं इन्हां दे रिएक्शन बनाउंदा सी, लेकिन फिर मैं क्या यार रिएक्शन बनाने का फायदा कि जब मैं क्रिकेट ही ना देखा, सो फिर मैं क्रिकेट देखना शुरू किया। है ना अमेजिंग सी वर्ल्ड कप होने वाला, एक्साइटमेंट बहुत है। नसीम शाह जदों वो इंजर्ड होया सी ना उस दिन मैं वो यही गल कही सी कि भरावा वर्ल्ड कप आ रहा है, इदां दे पंगे ना लो, एक चौका बचाउण दे लई तुसीं अपने आप नूं इंजर्ड ना करो। एंड उधरों की रिजवान भी अपना क्रीज छड के उधर भजन दिया सी एक चौका बचाउण दे लई, ते उधरों नसीम शाह भी, मतलब एक चौके नाल ठीक है स्कोर जरूर मिलते बनते दूजी टीम दे, लेकिन ये भी तो देखो यार वर्ल्ड कप भी तो खेलना सी ना। चलो एनीवेज जो भी है, इंडियन टीम इस टाइम पीक ते है, ऑस्ट्रेलिया नाल मैच कल है, इंडिया ने जितना ऑफकोर्स वो भी मैच दे इंडियन कॉन्फिडेंस, मतलब इंडिया का कॉन्फिडेंस पूरा पीक ते होएगा, हाई होएगा। सो बच के भाई बच के, ठीक है। सो इसी अभी वीडियो तुहानू की लगता है आसिफ दे कमेंट दे यार, इदा का वैसे नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखो खुद ही मतलब अपने नू ही टीज करना, क्रिटिसाइज करना सब तो गंदी पॉलिटिक्स है। नो वे, नो नहीं होना चाहिए। तो मनना बारे मैं कमेंट करके जरूर दस्यो। मिलते हैं किसी वीडियो, सत श्री अकाल।